देख टियर गैस, टियर गैस शेल पुलिस ने चला दी है। यहाँ पे किसानों को आगे जाने से रोकने के लिए ये देखिए पुलिस को एक कवर मिल गया है यहाँ पे इस बैरिकेडिंग के रूप में। ये देखिए आ चुके इसके गोले दागे जा रहे हैं। यहाँ पे स्थिति बहुत ही अब खतरनाक होती जा रही है। इस तरफ भी गोले छोड़ दिए गए हैं। ये देखिए चारों तरफ से शेल चलने शुरू हो गए। ये देखिए मजबूर कर दिया है पुलिस ने पूरी तरह मजबूर कर दिया है किसानों को पीछे हटने के लिए। ये देख सकते हैं आप किस तरह का सारा बवाल मच गया है। यहाँ पे पुलिस ने किसानों के जत्थों को पीछे कर दिया है। यहाँ पे पुलिस ने कम से कम एक बैरिकेडिंग पे रोकने में सफलता हासिल की है और अक्षरधाम की तरफ किसानों को नहीं जाने दिया। ये देखिए ये मेट्रो जा रही है सामने से, यहाँ से पुलिस ने खदेड़ दिया है और पुलिस के साथ ये सिविल डिफेंस के भी नौजवान हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक यहाँ से किसानों को पीछे खदेड़ दिया है जो जत्था यहाँ तक पहुंचा था, और अब वो सब थोड़ा पीछे हट गए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि किसान अपने तय रूट के ऊपर ही जाए और ना जाए। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में कुछ जगह बैरिकेड्स तोड़कर आंदोलनकारी किसान प्रवेश कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि वे बैरिकेडिंग से फान चुके हैं। ये सब सिंघू बॉर्डर की तरफ किया जा रहा है जो कि इस आंदोलन का केंद्र है, यानी कि सेंटर है। पुलिस ने अभी तक उन्हें रोका नहीं है। अब वे बैरिकेड्स हटा रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बेकाबू होते हालात देख पुलिस को हल्का फुल्का यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ